दुनिया भर में कोरोना वायरस अब तक 8,50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,53,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर भी हैं। भारत कोरोना वायरस का मरकज बन गया। एक दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। से शुरू होने वाले कोरोना वायरस भारत में बेकाबू हो चुका है, जहां एक रोज के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा 78,761 केसेस सामने आ गए। भारत में कोरोना से एक दिन में मजीद 971 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक माहरीन ने भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस देखते हुए इम्कान जाहिर किया है कि भारत जल्द ही कोरोना केसेस में ब्राजील और अमरीका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 36,21,000 से तजावुज कर गई और हलाकतें 64,000 से ज्यादा हैं, जबकि 27,74,000 से ज्यादा मरीजों के सेहत याब होने से जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7,82,000 है। अमेरिका में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 61,56,000 जबकि ब्राजील में 38,47,000 से ज्यादा मुतासिर हो गए। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 366 अफराद के हमरा 1,20,000 से बढ़ गई। मेक्सिको में 19 जानों के मजीद ज़िया के साथ अमवात की तादाद 64,000 से ज्यादा जबकि मुतासरीन की तादाद 5,95,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस में वबा के बाइस 4 मजीद हलाकतों के हमरा मजमूई तादाद अब तक 30 से ज्यादा और मुतासरीन की तादाद 5 से बढ़ चुकी है। मुल्की माहरीन का ख्याल है कि मौसम खजा या सरमा की वबा की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो सकती है।